कुरान पढ़ने के बाद हम जिस्म पे या चेहरे पे हाथ फेर सकते हैं? नहीं, कुरान पढ़ने का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप रुकिया कर रही हैं, वैसे कुरान पढ़कर के रुकिया भी किया जाता है। एक होता है कि कुरान की तिलावत करना, तो कुरान की तिलावत करके जिस्म पर हाथ फेरना नहीं, बल्कि अगर कोई इसको शरीयत समझ के कर रहा है तो ये बिदात है। लेकिन अगर आप रुकिया कर रही हैं कुरान पढ़ के, तो रुकिया करके हाथों पे दम करके आप हाथ को अपने जिस्म पर फेर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर फकत तिलावत मकसूद नहीं है, यहाँ पर रुकिया भी मकसूद है। लेकिन अगर फकत तिलावत कर रही हैं तो जो है हाथ फेरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर कोई इसको सुन्नत या शरीयत समझ के कर रहा है तो ये बिदात है। यहाँ तक कि और एक चीज इसमें बहुत सारे लोगों के यहाँ देखने मिलती है कि कुरान जब ऊपर चुकेंगे, बंद करेंगे, तो कुरान को चूमेंगे। जी भाई, किस लिए जी? आप किस लिए चूम रहे हैं कुरान? कुरान से मोहब्बत ये है कि कुरान को पढ़ा जाए, कुरान पर तदब्बुर किया जाए, उसके मानी को समझने की कोशिश की जाए तफसीरों की रोशनी में, और उस पर अमल किया जाए। ये कुरान से अगर असल मोहब्बत है, चूमना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे किराम या सलफ का तरीका नहीं है कि उसको चूमा जाए। अगर कोई उसको दीन और शरीयत समझ के कर रहा है तो ये बिदात है।